तक सिरों में अप्लाई करो, पांव में अप्लाई करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे सिर से बाल से लेके मेरे उस पैर के नाखून तक तू प्रोटेक्टेड करेगा पिता परमेश्वर। बुक ऑफ जेम्स अध्याय जेम्स की 5:15 में लिखा हुआ है, एंड द प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द वन हु इज सिक। 5:14, इज एनीवन अमंग यू सिक, लेट हिम कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च एंड लेट देम प्रे ओवर हिम अनॉइंटिंग हिम विद ऑयल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। 5:14, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर। न्यू टेस्टमेंट की कमेंड है, तुम्हें कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशान हो, एल्डर्स को बुलाओ कलीसिया के और अनॉइंट करो अपने आप को, और हर बीमारी, हर परेशानी, हर ट्रबल से, हर इश्यू से आप बच सकते हैं आज। हर बीमारी, हर परेशानी, हर ट्रबल्स, हर इश्यू से बच सकता है बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग है। मेरे सिर के ऊपर जो तेल लगा हुआ है, मेरे सिर के ऊपर जो मसा किया हुआ है, फाइल्स के ऊपर, वैलेट्स के ऊपर लगाओ, मसा करो। डेविल आसपास भी ना आए मेरे परिवार के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर आसपास भी नहीं आए, जैसे आइज़ाई 55:10-11 में लिखा हुआ है, हम आज घोषणा करेंगे हर बीमारी को, परेशानी को, ऐसे सिचुएशंस को भगाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, अपनी मुंह को खोल के बोलो, परमेश्वर मैं मसा किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं श्रापित किया हुआ व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आप श्रापित नहीं है, आपके साथ जुड़े हुए कोई भी चीज श्रापित नहीं है, आपकी जिंदगी श्रापित नहीं है, आपकी व्यवसाय श्रापित नहीं है। अपने मुंह को खोलो, घोषणा करो यीशु के सामर्थ्य नाम से, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं और मेरे परिवार, मेरी घराना आशीषित है, अब्राहम की ब्लेसिंग्स मेरी घराना का है, यीशु मसीह के उस नाम के द्वारा, यीशु मसीह ने जो कैलवरी क्रूस में किया उस कारण के द्वारा, जो मुझे भी अब्राहम की परिवार में जोड़ा हुआ है उस कारण मैं आशीषित हूं, मेरी परिवार आशीषित है। जादू टोने का कोई आंसर मेरे परिवार में नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी में नहीं है, इस कलीसिया का कोई भी विश्वासियों में नहीं, जो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए, और जो घरों में इस टाइम बीमार है, परमेश्वर पिता जो अनॉइंटिंग है, जो मस्सा, जो मेरे स्पिरिचुअल अथॉरिटी के कलीसिया में काम करता है, जो मस्सा में मैं पार्ट हूं पिता परमेश्वर, उस ग्रेस को मैं रिलीज करता हूं, उस मर्सीज को, उस दया को, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया आशीषित है, अंधकार की अधोलोक की शक्तियों का कोई भी प्लान, कोई भी गेम्स, कोई भी ट्रिक्स इन परिवारों के ऊपर, फैमिलियों के ऊपर नहीं हो सकता यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने मुंह को खोलो, बोलो आई रिजेक्ट, मैं हर ऐसे डेविल दुष्टों का प्लान को रिजेक्ट करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे आसपास भी नहीं आएगा वो पानी जो मुझे गिराने के लिए जो बरसाता है डेविला, वो मेरे घरों को गिरा ही नहीं सकता। वो गड्ढे जो मुझे गिराने के लिए, मिनिस्ट्री को गिराने के लिए, व्यवसायियों को गिराने के लिए, जॉब लोगों को गिराने के लिए, बच्चों को, बड़ों को गिराने के लिए, इस अनॉइंटिंग के अंडर है, इस कवरिंग के अंडर है, वो गड्ढा कभी हमारी अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो गड्ढे में हमारी लोग नहीं गिरेंगे। अपने मुंह खोलो, मुंह खोल के बोलो, क्योंकि बोलता है जैसे तू बोलेगा, पावर ऑफ माउथ, आज उस मुंह की ताकत को, उस वर्ड के ताकत को रिलीज कर, जो गड्ढे मेरे लिए अभी बना चुका है, बनने वाला है, मैं और मेरा परिवार नहीं गिरने वाला, इस कलीसिया गिरने नहीं वाला, ओ हर चलाकियों में मैं नहीं फंसने वाला, मैं स्टक अप नहीं होने वाला, मैं किसी के हाथों में उस गेम्स के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाला, मैं यीशु के हाथों में इस्तेमाल होने वाला, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं उस अधिकार के साथ आज जाऊंगा, मेरे लिए कोई भी हथियार अभी तक बना ही नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर तू लोहे को तूने निर्माण किया, पत्थर को तूने निर्माण किया, उस पत्थर, उस लोहे से हथियार बनाने वाला, उस मेसन, उस मिस्त्री, उसी को भी, उस व्यक्ति जो बनाता है उसको दिमाग तूने दिया, और मैं ये जानता हूं मुझे खत्म करने के लिए कोई भी वेपन बनाने वाले के दिमाग में तू बुद्धि नहीं देगा, क्योंकि तू मेरा यहोवा है, तू मेरा यहोवा है, बीमारी खत्म नहीं करेंगे मुझे। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता में, जब डेविड उस परेशानियों को, उस ट्रबल को सामने से देख रहा था, उसने घोषणा किया, आई शैल नॉट डाई, मैं मरूंगा नहीं, मैं खत्म नहीं होंगे। हम भी घोषणा करेंगे, बीमारी आए, कोरोना आए, परेशानी आए, हमारी इसी कलीसिया में, हमारी परिवारों में एक भी मृत्यु नहीं होगा, हमारी दूर दूर तक के लोग प्रोटेक्टेड है, हमारी फैमिली प्रोटेक्टेड है, हमारी परेशानियां
ट्रबल्स है, इश्यूज हमें गिरा नहीं सकता, इस कलीसिया को नहीं गिरा सकता। हमारी एक भी परिवार खत्म नहीं होंगे, एक भी फैमिलीज लॉस में नहीं जाएंगे। उनकी हर जरूरत है, डिजायर्स ऑफ द हार्ट है, वचन संहिता 37:4 में लिखा हुआ है, तेरी डिजायर्स ऑफ द हार्ट मैं तुझे दूंगा। इस साल वो प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, इस साल न्यू व्हीकल्स आएंगे, इस साल वो बेस्ट वेकेशंस में जाएंगे। जब आंधियां तूफान खत्म होंगे, परेशान करेंगे, पर तेरे लोग ग्रोथ से ग्रोथ में, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी में जाएंगे। हमारी ग्रोथ का साल होगा, कलीसिया का ग्रोथ का साल होगा, टर्नओवर्स डबल ट्रिपल होने का साल होगा, प्रॉफिट्स डबल और ट्रिपल होने का साल होगा, इंक्रीज की साल होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम मरेंगे नहीं। आई शैल नॉट डाई। अपने मुंह को खोलो, बोले मैं मरूंगा नहीं, मैं खत्म नहीं होंगे, मैं डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, मेरे परिवार डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। आज आपके हाथ में डिस्ट्रक्शन होगा, एक रुपए नहीं होगा। आज हो सकता है बीमारी का लास्ट डे होगा, कैंसर का लास्ट स्टेज हो सकता है, बट बोलो आई विल नॉट डाई। जब अपोस्तल पाउलोस इतने पीटे परेशानी में गए, बट उसने कभी अपने मुंह खोल के नहीं बताया, प्रभु बस मैं इतना ही हूं, मेरा काम खत्म है, मैं आने के लिए तैयार हूं। उसने कभी मुंह खोल के नहीं बोला, बट परमेश्वर का और कोई अपोस्तल उसने बोला, बस मुझे स्वीकार करो, मेरा खत्म हो गया, आप और मैं प्रीमैच्योर डेथ में नहीं जाएंगे। बीमारियां, परेशानियां, एक्सीडेंट्स, ट्रबल्स हमें खत्म नहीं करेंगे, सुइसाइड, डिप्रेशन हमें खत्म नहीं करेंगे। अपने मुंह की घोषणा करो, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो, अपने परे, आप इसी टाइम जो आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं आप नहीं जानते। वचन में लिखा हुआ, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, तू राजपदधारी है। जब किंग और क्वींस और प्रिंसेस, जब भी कोई भी चीज डिक्री और डिक्लेयर करता है, उस देश का लॉ बन जाता है। स्पिरिचुअल रूल्स में, इस स्पिरिचुअल रियल्म्स में डेविल और दुष्ट शक्ति का अधिकार नहीं, आप रूल करते हैं, आप पावर में रिलीज करते हैं। जो आप मुंह खोल के बताएगा वही आपके चीजों के एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये बोलो परमेश्वर से, मैं अपने हाथों से मेरे बच्चों को, मेरे वाइफ को या हस्बैंड को मैं दफनाऊंगा नहीं। मेरे सामने ओ मेरे घरों के छोटे बड़े कोई डेथ, मैं मेरे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूं इसी टाइम, मेरे हाथों से मैं मेरे अपने बच्चों को कभी बरियर नहीं करूंगा, कभी कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा फैमिली लॉन्ग लाइफ के साथ जिएंगे, हमारे लाइफ लॉन्ग लाइफ, मेरा मेरा घराने का मेरा परिवार का हिस्सा होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रे 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 आपकी वाइफ को आशीष दो, हस्बैंड को आशीष दो, आप अकेले आज बोलो ये हुआ, मैं तेरा हूं पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस मेरे ऊपर रिलीज हो, तेरे मर्सीज मेरे ऊपर रिलीज हो, तेरे सामर्थ मेरे ऊपर रिलीज हो, तेरे सामर्थ मेरे ऊपर रिलीज हो। नेक्स्ट लेवल, एक और कदम मुझे लेके चल, लगा लगा रहा कोई भी ऐसे मुंह ना हो जो बंद हो खड़ा इस टाइम। आपके मुंह जब यह हुआ देखता है, प्रे 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 पर शमारी खो लावा राशुरो तू रमा सीरथो रखरा मलाबा नमरी खशा थरा मलाबा लिखो रो बो शिखरा बराबा। अपनी हमारी प्रार्थनाओं की जो दुआ आज खुदावंत के सामने पहुंचे, हमारी प्रार्थनाओं की, हमारी होठों की फल की जो दुआएं यीशु के सामने ऐसे फ्रेग्रेंट ऑफरिंग है, उस खुशबू की ऑफरिंग के द्वारा हमारी भेंट के रूप में हेवन के सामने पहुंचे। बहुत बार जैसे जैसे प्रभु के दासों के पास मैसेज आता है, ओ तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने आए, तेरी ऑफरिंग प्रभु के सामने आए, तेरे अच्छे काम तेरे सब प्रभु के सामने आए, तेरी राइचसनेस तेरे यीशु के सामने आया हुआ है। आज जब हेवन से प्रभु बोले, ओ एनआईटी चर्च, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, तुम्हारी प्रार्थना मेरे सामने आए, बताओ क्या करूं मैं। ओ प्रभु हमारे काम हम यीशु के नाम से जो करता है, आपकी राज्य के लिए करने के लिए मौका दिया, सब आज आपके सामने आए, ऐसे गुड ऑफरिंग के रूप में आपके सामने आए पिता परमेश्वर। शमारी खुरोबो लीवरम शमारी खुरोबो रबा ना कुरी को, कोई भी ऐसे आत्मा ना हो जो खाली बैठे हैं, जो खाली खड़ा है, जो अपने मुंह को खोलो, रिलीज करो, शांगहरांदा रिखो रोबो लावा रिखो रोबो। इस बीमारी मुझे खत्म नहीं कर सकता, ये डर मुझे खत्म नहीं कर सकता, कंफ्यूजन एंजाइटी डर के आत्मा, मैं डरने के लिए नहीं बनाया गया हूं। ओ वचन भजन संहिता 91 में लिखा, ओ हजार दस हजार तेरे इर्द गिर्द गिरेंगे, तेरा बाल भी नहीं उखड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा तुझे, क्योंकि मेरा यहोवा, मेरा पापा, मेरा
मसीहा, मुझे जिसने बुलाया, बोला जिसको मैंने बुलाया उसको मैं जस्टिफाई करूंगा, उसको मैं खड़ा भी करूंगा। आंधी आए, ये आने वाले टाइम के बिगर टेस्टिमनीज के लिए फाउंडेशंस बन रहे होंगे। ये जो आज इस टाइम चल रहे, आपकी पोतों को नहीं, आपकी पोते से बेटों को, उनकी बेटियों को आप बोलेंगे बैठ के कहानी, आप लॉन्ग लाइफ के साथ जिएंगे, आप खत्म नहीं होंगे। आपकी पोतों की बेटे बेटियों को आप कहानी बोलने वाले होंगे। फोर्थ जनरेशन, आपकी फोर्थ पीढ़ी आप देखेंगे। मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से लॉन्ग लाइफ। इस चर्च के हर विश्वासी, हर टीम, स्टाफ, वॉलंटियर्स, हर लोग इस कवरिंग के अंडर है। मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ। डेथ की स्टोरीज आएंगे इधर उधर से, वेंटिलेटर में एडमिट है, नेगेटिव स्टोरीज, रियलिटीज आ रहेंगे। बट मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, हम आपकी ग्रेस में, आपकी दया में, आपकी सामर्थ में प्रोटेक्टेड है, रहेगा, और डबल ग्रेस, डबल मसा, डबल सामर्थ के साथ जाएंगे। उस आराधना गीत गाएंगे, आंधी आने से, तूफान आने से मेरा परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। फिर हम घोषणा में जाएंगे, आपको घोषणा करना है, प्रोक्लेम करना है। This church is a product of declarations. हम डे वन से घोषणा करके, डिक्लरेशन करके, प्रोफेटिक डिक्लरेशन करके, मुंह से जो होना चाहता, जो लेना चाहता, जो देखना चाहते वो बोल के आए। हम नेगेटिव घोषणा करने वाले चर्च नहीं है, वो अनवांटेड चीजों को बुलाने वाला चर्च नहीं है, हम डर के बैठने वाला कलीसिया नहीं। हम घोषणा करेंगे, आंधियां आए, तूफान आए, परेशानियां आए, ट्रबल आए, मेरा यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मुझे पकड़ के चलेगा। मेरा परमेश्वर मेरा यीशु मेरे साथ, अपने हाथों को उठाओ, बताओ अपने आत्मा को, अपने जॉब सिचुएशंस को, अपने व्यवसाय के सिचुएशंस को, अपने परिवार को बोलो, इस टाइम आंधी आए, तूफान आए, परेशानियां आए, ट्रबल्स आए, इर्द गिर्द ट्रबल्स खड़ा हो, बट मेरा यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं बोलो अपनी मुंह खोल के, मेरा यीशु, आंधी आए, तूफान आए, मेरा यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, ओ मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरा मुझे डूबने नहीं देगा, मुझे खत्म होने नहीं देगा। शर्मिंदगी आज के दिन में आपका हिस्सा होगा, परिवार का हिस्सा हो सकता है, आपका फैमिली का हिस्सा हो सकता है, सिर सामने देख के चल ही नहीं पा रहा होगा आप, बट आज अपनी सिरों को और उठाओ स्वर्ग की ओर, नीचे देख के प्रार्थना मत करो, दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठा के, स्वर्ग की ओर उठा के आपकी चेहरा आज अब्बा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो देखने दो, आपकी प्यार भरा हुआ चेहरा जिसने आपको रचाया वो आज देखने दो। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ता, वो मेरा हाथ पकड़ेगा। अपने हाथों को उठा के घोषणाएं, घोषणाएं करते जाओ, क्योंकि आज का डे है डिक्लरेशंस। अपने शरीर के लिए, व्यवसाय के लिए, अगर आपकी जिंदगी में आप जानते कोई भी लोगों की एक डिमोनिक प्रॉब्लम्स है, दुष्टों ने घेर रखा है, उस टाइम मुंह को खोलो, घोषणा करो उसके ऊपर के हर डीमोनिक, हर दुष्टों की, शैतानों की शक्तियों को, ताकतों को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे व्यवसाय कष्ट नहीं है, मेरे फैमिली कष्ट नहीं है, डेविल ऑपरेट नहीं करता। आपको गुस्सा करके निकालना है डेविल को, आप रिक्वेस्ट करने से नहीं जाएगा, आप जादू टोना करने से नहीं आएगा। हर डेविल, हर दुष्ट, हर अंधकार की शक्ति जो मेरी आवाज के तहत है, मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, इनके घरों को, व्यवसायों को, बच्चों को, सोच विचारों को छोड़ के चले जा। You are out, never come back। जैसे आप गुस्सा करने के टाइम बोलते, तेरा चेहरा मैं दोबारा नहीं देखना चाहता हूं, उस दुष्टों को बोलो, उस गरीबी का चेहरा, उस गरीबी की इफेक्ट मेरे परिवार में दोबारा नहीं देखना चाहता हूं, उस कमजोरी मेरी घर पे दोबारा एंट्री नहीं है, उस कमजोरी मेरे घर पे, मेरे शरीर में एंट्री नहीं है, उस शर्मिंदगी तू आउट है मेरी जिंदगी से, तेरा कोई अधिकार नहीं, आ जा, शर्मिंदगी का कोई अधिकार नहीं है, आउट। हर शर्मिंदगी, वो फाइनेंस की कारण हो, वो आपकी चीज टाइम पे ना उस कारण हो, बचपन की कारण हो, ड्राइनेस की कारण हो, आउट मेरी जिंदगी से, परिवारों से, फैमिलियों से, आउट इन जीसस नेम। बोलो और बोलो, मुंह को खोल के डिक्री एंड डिक्लेयर इट, शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है, शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। अपनी राइट हैंड उठाओ, शरीर पे रखो, अपनी राइट हैंड उठाओ। परमेश्वर पिता, जो जो लोगों के हाथ ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी शरीर में रखो, परमेश्वर पिता इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम,
फेफड़े सब चीज प्रोटेक्टेड है यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर कलीसिया ऑनलाइन ऑफलाइन जो मेरी वर्ड के अंडर है, मैं घोषणा करता हूँ आपकी आपकी कार्डियक सिस्टम, आपके दिल से रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड हर सिस्टम प्रोटेक्टेड यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक जवान व्यक्ति से बेस्ट होगा आपकी हार्ट यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी फेफड़े ताकतवर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी बुद्धि सामर्थ्य, आपकी आपकी मेमोरी पावर और स्ट्रांग होगा। आपकी मेमोरी गिरेंगे नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। 120 साल के बाद भी आपको याद होगा। आपकी याददाश्त खत्म नहीं होंगे। आपकी आंख, आपकी आईज फेल नहीं होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी आईज फेल नहीं होंगे, आपकी आईज फेल नहीं होंगे। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको खाना पचने में कोई बीमारी नहीं होगा। आपकी खाना जो आप खाएंगे, जो आप पिएंगे, सब चीज डाइजेस्ट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेस्ट है, बेटर है। हमारी बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, उनकी अगला जनरेशन को पैदा करने का ताकत ब्लस्ट है। उनसे बेटे बेटियां जन्म लेंगे। ओ ब्लस्ट है इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है मेडिकल टर्म्स में, आपकी शरीर में हो, आपकी लिवर प्रोटेक्टेड है, आपकी किडनीज प्रोटेक्टेड है, मेन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोटेक्टेड है, आपकी ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड है, आप शुगर बीमारी परेशानी के नीचे नहीं आ सकता। आप प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी परिवार की हेरिडिटरी डिजीजेस, आपकी बीमारी उस पोर्शन नहीं है। आपकी पापा को जो बीमारी ने खत्म किया, मम्मी को जो बीमारी ने खत्म किया, भाइयों को बहनों को गिराया, बट वो बीमारी आपके सामने आके घुटना टेकेंगे, वो आपको खत्म नहीं कर सकता। आपकी आपकी बच्चे अलग हैं, आपके ऊपर याकूब की परमेश्वर का हाथ है। सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। याकूब की परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, दाऊद की परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे बनाया, जिसने जमीनें बनाया, जिसने पानिया बनाया, जिसने समुंदर बनाया, वो मेरे साथ है। इस समुंदर से निकले हुए कोई भी चीज, कोई भी डेविल स्पिरिट जो पानी से रिलेटेड है, जो डिमोनिक स्पिरिट है, रेवलेशन में लिखा हुआ इजबेला उस नदी के किनारे में बैठे हुए थे, कोई भी डिमोनिक स्पिरिट जो मराइन स्पिरिट कहलाई जाता है, आपको खत्म नहीं कर सकता। जो पानी से निकला हुआ है, कोई भी मराइन स्पिरिट जो पानी से समुन्द्र से निकला हुआ, आपको खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा परमेश्वर ने उस समुन्द्र को बनाया। उसी परमेश्वर ने बोला, तुझे कोई भी वस्तु अभी तक जन्म नहीं लिया जो तुझे खत्म कर सकता है। मैं मेरा परमेश्वर में विश्वास करता हूं, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, वो मेरे साथ है, वो मेरे संग है। उसी लाइन को बोलो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। ये पृथ्वी मुझे सपोर्ट करेगा, ये पृथ्वी में बनाया हुआ हर चीज इस धरती मुझे सपोर्ट करेगा। धरती में हर चीज, पानी, हर एलिमेंट, फायर हो, पानी हो, उस हवा हो, मुझे सपोर्ट करेगा। मेरे खिलाफ या मेरी बिजनेस के खिलाफ कोई भी हवा नहीं आएगा जो मुझे हिराने के लिए। मैं घोषणा करता हूं, हर विंड मुझे सपोर्ट करेगा। जो लोग बोलेंगे उस हवा में मैं खत्म हो गया, नहीं, हम नहीं बोलेंगे, कोरोना का हवा में हम नहीं।
ये खत्म होंगे, चर्च खत्म नहीं होंगे, विश्वास ये खत्म नहीं होंगे, ये हवा आएंगे जाएंगे, बट मेरा परमेश्वर ने बोला कोई भी वस्तु तुझे तेरे परिवार को खत्म करने के लिए अभी तक इस धरती में नहीं आया। उसी परमेश्वर ने बोला आकाश जिसने बनाया, पृथ्वी जिसने बनाया, सब वस्तु मेरा यीशु ने बनाया, इस धरती मुझे सपोर्ट करेगा, पानी मुझे सपोर्ट करेगा, सूर्य चंद्र सब चीज मुझे सपोर्ट करेगा। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मुझे फेवर करता है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, ओ मेरा परमेश्वर, ओ मेरा परमेश्वर मुझे सपोर्ट करेगा। अपने मुंह को खोलो, घोषणा करो, मेरे ड्रीम्स, मेरे विजन्स प्रोटेक्टेड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप में से कुछ लोग अपने जवानी शुरू किया होगा ड्रीम्स के साथ, चीजों को बिल्ड करना है, व्यवसायों को बिल्ड करना है, करियर में आगे जाना है। हो सकते हैं आज आप 40 में आए होंगे, 50 में आए होंगे, 60 में आए होंगे, आपकी ड्रीम्स डेविल ने चुराया होगा। आज हो सकते हैं आज आप उसी अंडरस्टैंडिंग में, उसी बातों में आप हो रहे होंगे, बस मेरे काम चले, बस मेरा दाल रोटी चले, ये मेरी ड्रीम्स रह गया। बट परमेश्वर कह रहे आज जो जोसेफ को विजन्स और ताकत देने के लिए सामर्थ्य देता है, मैं तेरी विजन्स को रिस्टोर करेगा, ड्रीम्स को रिस्टोर करूंगा, और तू और विजन देखेंगे, तू और ड्रीम देखेंगे, उस जवान सिंह के तरफ तू उठेंगे। जैसे अपनी उस सांप अपनी स्किन को उतारता है वो न्यू बन जाता है, उस ईगल अपनी 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 नएपन में आ जाते हैं। मैं आज देख रहा हूं जिनकी विजन्स और ड्रीम्स और बस सेटल हो गया, बस मैं बस इसी से खुश हूं, मैं और रिस्क नहीं ले चाहता हूं। मेरा परमेश्वर कह रहे तू मेरे लिए रिस्क लेंगे, तू मेरे लिए कार्य करेंगे, तू मेरे लिए और ड्रीम्स देखेंगे, और विजन्स देखेंगे। परमेश्वर पिता मैं घोषणा करता हूं इसी कलीसिया में किसी का ड्रीम खत्म हो गया होगा बड़े चीजों को बिल्ड करने का, बड़े कार्य करने का। मैं आज घोषणा करता हूं ड्रीम्स रिस्टोर हो, विजन्स रिस्टोर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। विजन्स मेरी बहनें आपकी विजन्स रिस्टोर हो, मेरे भाई आपकी विजन्स रिस्टोर हो, आपकी ड्रीम्स और आप सपन देखेंगे बढ़ोतरी का, ग्रोथ का, वंडरफुल चीज आप इस धरती में यीशु लेके आया, तू बड़े चीज अचीव करके जाएंगे। आम जिंदगी तेरा हिस्सा नहीं होगा, सुपर नेचुरल पावरफुल लाइफ तेरा जिंदगी का हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। नॉर्मल नहीं है, तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये मेरा वर्ड को जवान लोग ध्यान से सुनो, आपकी ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, डबल 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 ग्रेस में तुम बढ़ेंगे, आपकी ड्रीम्स प्रोटेक्टेड है। हाथ तो उठाइए, बोलिए प्रभु अगर मुझे आइडियाज ड्रीम्स नहीं देख पा रहा हूँ, विजन्स नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कैसे आगे चलने में नहीं जानता हूँ, मुझे भर, मेरी जिंदगी को भर रहा। अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग की ओर रुखो, सिर पे रखो, सिर पे रखो, बोल दो मुझे ड्रीम्स और विजन से भर दे पिता परमेश्वर। शखर राखर रिख रोबो, उस पेट्रोल से पैसा बनाने के लिए किसी को ड्रीम दिया, विजन दिया, उस तेल इस नीचे है धरती, उसी तेल से देश देश जाते जाते अमीर हो गया, ड्रीम्स विजन आया। जिस लोहा आपकी गेट पे दीवारों में लगे हुए हैं, आपके गेट बने हुए, उसी लोहे से उस महंगे घड़ी का सुई बनता है जो लाखों में बिकता है। किसी को उतना दिमाग दिया उस लोहे से बस गेट बनाने का, वो कुछ हजारों में बिक रहे, बट उसी कम ग्राम्स में जो लोहे आता है, जो उसी घड़ी में है, वो लाखों में बिकता है। हमारी परमेश्वर सेम बुद्धि दिमाग किसी और को लगता दे रहा होगा, वो उसका लिमिटेड होगा, बट वो सेम बुद्धि और ग्रेस आपको देंगे, आप लिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे, आप आगे बढ़ेंगे सुपर नेचुरल आइडियाज के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं घोषणा करता हूं प्रभु रिसोर्सेस को डबल करने का, उस कम रिसोर्सेस से जबरदस्त काम करने का, उस कम फाइनेंस, उस कम कैपिटल में जबरदस्त काम करने का बुद्धि और सामर्थ्य रिलीज हो। इब्राहिम की परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर, इसहाक की परमेश्वर, मैं वादा करता हूँ आपसे आज आज एग्रीमेंट, आज आप साइन करो एग्रीमेंट खुदा के साथ, जो आप वाचा बांधो आज परमेश्वर के साथ, मेरे वाचा अलग है, आपकी वाचा अलग है, आज वाचा को बांधो फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स के टाइम में, ग्रोथ के टाइम में, ब्लेसिंग्स के टाइम में, उस हीलिंग चंगाई आने के टाइम आप क्या करोगे, आपकी घराना क्या करोगे, आज आज सुपर नेचुरल कमिटमेंट एग्रीमेंट हो। शखरा खर्रा मशी खुर्रो बुलाबा लीमा रख शीन अंदारा घीला मूसी अंदारा मारी खुर्रो बो रीबा शमा ना खुर्रीबा शाह खुर्रो बोलाबा। आइडियाज फैक्ट्री बने, आइडियाज का कमी ना हो पिता परमेश्वर। हर ब्लॉकेज एक एक प्रांत एक एक घोषणा करो, डिक्लेरेशन करो, मेरे आइडियाज के अगेंस्ट, मेरे प्लानिंग्स के अगेंस्ट ब्लॉक हो के कोई भी चीज, कोई भी ऐसे मेंटल ब्लॉक हो, मुझे आइडियाज प्लानिंग्स करने के लिए हर चीज को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुझे आइडिया मिलेंगे, मुझे विजन्स मिलेंगे,
मुझे ड्रीम्स मिलेंगे, मेरे ड्रीम्स खत्म नहीं होंगे, मेरे विजन्स खत्म नहीं होंगे, मेरी जिंदगियां खत्म नहीं होंगे, मेरे परिवार खत्म नहीं होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। शमारी खुरोबो शिखरा मारा बारा बारा। अगर आपको गंदे सपने देखने का, ऐसे व्यक्तियां होंगे इस टाइम, होंगे नहीं है, अब हर बार एक्सीडेंट्स दिखते हैं आपके सामने। अब जब भी आंख बंद करते हैं एक्सीडेंट्स नजर आते हैं, बाइक का एक्सीडेंट हो रहा है, कार एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब गाड़ियों में बैठते तब भी आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। आज से मैं घोषणा करता हूँ, आप फ्री है इस बीमारी से, इस परेशानी से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि एक टाइम में मैंने भी ऐसे सेम 6 महीना चला गया था, एक टाइम जब एक विश्वासी ग्रुप में बैठते थे, बट परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया। जब भी आंख बंद करते हैं एक्सीडेंट्स, गाड़ी में बैठते हैं एक्सीडेंट नजर आते हैं, डर पैदा हो गया, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। जो यीशु ने मुझे डिलीवर किया आपको भी डिलीवर करेगा, उसके हाथ आप भी फ्री है आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो डेविल आउट है आपकी जिंदगियों से, आपके परिवार से, आपके फैमिली से, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस टाइम आप और शार्प होंगे, इस टाइम और समझदारी में जाएंगे, इस टाइम और ग्रेस में जाएंगे, इस टाइम और मर्सी में जाएंगे, और दया में जाएंगे। गंदे सपने आपका हिस्सा नहीं होगा, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी, गलत संबंध बनाते वो हिस्सा आपका नहीं होगा। कोई भी स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ आपकी जिंदगी में एंटर हो चुका है रिलेशनशिप के द्वारा या आपके सपनों के द्वारा, आज उसका लास्ट डे आउट है यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा। परमेश्वर पिता, मैं घोषणा करता हूं इसी कलीसिया में किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, इधर उधर रिलेशनशिप बनाया, उस कारण उस व्यक्तियों से श्राप उनके घरों में एंटर हुआ, उस स्पिरिट उसमें ये भी भाग लिया, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कैंसल करता हूँ, मैं कैंसल करती हूँ। बोलो, हर स्पिरिट मेरे पितरों के द्वारा, पर भी अपनी माता पिताओं के द्वारा कहीं से भी मेरी जिंदगी में एंटर हुआ, मैं आज निकालता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। केवल यीशु ही परमेश्वर है। मुंह खोल के बोलो, जीसस इज लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा किंग है, जीसस इज माय किंग, जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस इज माय किंग, जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वचन में लिखा हुआ है, जहां यीशु को आप उन्नति देते हो, उस इंपॉर्टेंस देते हो, यीशु मसीह चीजों को अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। आप जब यीशु को इंपॉर्टेंस देते हो, प्रथम स्थान देते हो, आपकी जिंदगी में हर चीज अट्रैक्ट होगा, बेस्ट ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, बेस्ट ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। लोग स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मांगो इस टाइम। बोलो, प्रभु मैं बेबी क्रिश्चियन बन के नहीं रहना चाहता। कलीसिया में 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, बट मैं अभी भी स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है। मुझे स्पिरिचुअली बच्चा बेबी नहीं बनना, मैं स्पिरिचुअली एक आदमी है, स्पिरिचुअल औरत है, मैच्योर आदमी, मैच्योर औरत आपके सामने बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बोला, तू एक रॉयल प्रिस्टहुड है। जब खुदा हमें देखता है, कुछ लोगों को बेबी की नज़र से देखता है परमेश्वर, कुछ लोगों को उस मैच्योरिटी की नज़र से देखता है। बेबीज डेफिनेटली प्यार को एक्सपीरियंस करता है अपनी मम्मा पापा से, बट बड़े काम कभी भी स्पिरिचुअल बेबीज को हैंडओवर नहीं होता। आज बोलो, परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल बेबी बनना नहीं चाहता, छोटी बात मुझे इरिटेट नहीं करेंगे, मेरी इमोशन यीशु के कंट्रोल में है, मेरी इमोशंस यीशु के कंट्रोल में, मेरी इमोशंस जो प्रभु ने मुझे दिया, वो गुस्सा का, ठंडा होने का, डिप्रेशन, हर इमोशन जो मेरी शरीर में वो मुझे सपोर्ट करेगा। मेरी इमोशंस डेविल के हाथों में नहीं होगा, मेरी सोच विचार डेविल और दुष्ट शक्तियों के हाथों में नहीं होगा, यीशु के हाथों में होगा। घोषणा करो, शाखरा मारी खुरोबो, शामारी खुरोबो, नामारी खुरोबो रबा। मैं आपको इसलिए घोषणा करता हूं क्योंकि एक टाइम मेरी इमोशंस मेरे खिलाफ काम करते थे, इमोशंस मेरे मुंह मेरे खिलाफ काम करते थे, गुस्सा मेरे खिलाफ काम करते थे, मेरे सबसे लाइफ की बड़ी मिस्टेक्स उस गुस्से के कारण जो मैंने स्टेप्स लिया, उसी स्टेप्स से उतरा गुस्से के कारण। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उस गुस्से जब इस कलीसिया की कोई भी लोगों के ऊपर आएगा पिता परमेश्वर, प्रभु वो सिन ना करे, पाप ना करे, रॉन्ग डिसीशंस ना ले, रॉन्ग डिसीशंस ना लो। परमेश्वर के वचन कहता है, जब तुम छोटी टेम्पररी सिचुएशंस में आके बड़े लाइफ को चेंज करने वाले डिसीशंस नहीं लेना। प्रभु इस कलीसिया की इमोशंस इनकी सपोर्ट में काम करे। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, इमोशंस आपकी सपोर्ट में काम करेंगे, आपकी फेवर में काम करेंगे। इमोशंस, इमोशंस आपकी सपोर्ट होगा, फेवर होगा। इमोशंस सोच विचार आपके अंदर की आत्मा
यीशु की पवित्र आत्मा के साथ मिलके काम करेंगे, इमोशंस आपके साथ काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। आजा मिलके 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 काम करेंगे, 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 मिलके काम करेंगे। मेरे इमोशंस मेरा यीशु के साथ मिलके काम करेंगे। आराधना गीत गाओ और घोषणा कर रहे हैं आज डे, क्योंकि जो मसाह किया हुआ ऑयल आपके ऊपर है, उस ऑयल के कारण आप अभिषिक्त हैं। बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग, दाऊद सबकी जैसे दिखता था, बट जैसे वो अनॉइंटिंग ऑयल उस सैमुअल की ओर से उसके ऊपर गिरा, फिर वो अलग हो गया। आज मेरा प्रार्थना है वो फर्स्ट लेवल जैसे डेविड का अनॉइंटिंग हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल डेविड बनने का अनॉइंटिंग हो चुका है। आज यीशु के सामर्थी नाम से आप डेविड बनेंगे, आप फ्यूचर डेविड बनेंगे, आप फ्यूचर डेविड बनेंगे। आज आप छोटे एरिया हैंडल कर रहे होंगे, आज आप छोटे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, बट जैसे डेविड एंट्री हुआ, उस गोलियात को मार पाया, इज़राइल के सामने आया, वो आने वाले टाइम में वो सोल के सामने आया, आपका भी एंट्री, वो किंग्स और अपॉर्चुनिटी जो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला इंपॉर्टेंट डिवाइन हेल्पर्स के सामने आपकी एंट्री हो, आपकी एंट्री हो, आपकी एंट्री हो। परमेश्वर पिता अंडर द अनॉइंटिंग इस मसीह के द्वारा, अभिषेक के द्वारा मैं घोषणा करता हूं, इस कलिशिया गोलायत को मारे आने वाले टाइम में, तेरे विश्वासिया हर गोलायत उनके सामने अगेंस्ट खड़े मारे, उनकी भाइयां बहने, रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली बॉसेस, हर लोग देखे ये अलग व्यक्ति है, जहां भी ये जाता है सक्सेसफुल होके आता है, ये जीत लेके आता है। आपकी बॉस एक्नॉलेज करे, बिकॉज तू मेरी कंपनी में काम करता मैं ब्लेस्ड हूं, बिकॉज तेरे साथ मेरी एसोसिएशन है, मेरी पार्टनरशिप ब्लेस्ड है, बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। जिसने जोसेफ को पहचान लिया वो आपको भी पहचान ले, फरो पोतीफर्स उन सब के सामने आपका एंट्री हो, नेक्स्ट लेवल एंट्री हो, इंपॉर्टेंट लोग आ, ओ बहुत पावरफुल लोगों के सामने कलीसिया आपकी एंट्री हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। कीप ऑन डिक्लेयरिंग, आप बोलते जाओ, आज आराधना करेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, बोलो बोलो, आज आप मुंह खोलो, डिक्री एंड डिक्लेयर इट, घोषणा करो। एक और प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाओ और घोषणा करो, हर डेविल की डाटा दुष्ट शक्ति आज भी वो पुराने गेम्स लेके आते हैं, आज भी लोगों के गिराने के लिए वही सेम ट्रिक्स, उसके पास कुछ ही ट्रिक्स है जो आपकी माता पिताओं को, आपकी फैमिली को गिराए, वो सेम ट्रिक्स आज भी वो इस्तेमाल करता है। उसके पास डाटा है आपकी, आपकी बड़े दादा कैसे गिर गया, आपकी जिंदगी में क्या परेशानी लेके आने, वो सेम गेम लेके आएगा, वो डाटा ऑपरेट करके बेस्ट एनालिस्ट है वो, और आपको लेके आएगा तीरा। आज मैं घोषणा करता हूं, हर डाटा फाइल में, हेवन में, स्वर्ग में, कहीं भी दुष्ट शक्तियों ने रखा है, सब चीज के ऊपर फायर यीशु का, उसकी डाटा प्लानिंग स्ट्रेटजीज आज मेरी, आपको बोल रहे हैं आज मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो डाटा प्लानिंग उसने बनाए रखा है, खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। 10 साल के बाद मेरी अगेंस्ट के लिए प्लानिंग बना रखा है, हर साजिश है, हर उसकी ताकत है, डिस्ट्रॉय हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे 60 के बाद, 70 के बाद, मेरा 100 के बाद भी मेरे परिवार को गिराने के लिए, 2030 में गिराने के लिए प्लानिंग कर रखा है, खत्म हो आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी परिवार फैमिली प्रोटेक्टेड होंगे जब तक यीशु लौट के नहीं आता। मेरी हर डीएनए बेटा बेटियां आज से 4,000 वर्ष के बाद हो या 10,000 वर्ष के बाद हो, जो डीएनए मेरी ही हिस्सा है, मेरी बेटे बेटियां प्रोटेक्टेड होंगे, जो मेरी पितरों को, दादा दादियों को, नाना नानियों को, मेरी भाइयों को, बहनों को गिराया या इस टाइम भी गिराते जा रहे, मेरी और मेरी परिवार की अगेंस्ट इनफेक्टिव होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी अगेंस्ट, आपको बोलना है ये, आपको बोलना है, मेरी अगेंस्ट वो वेपनलेस होंगे, ऐसे डेवल और शैतान और उसकी दुष्ट शक्ति होंगे जिसके हाथ में तलवार नहीं है, जिसके हाथों में बंदूकें नहीं है, वो खाली होंगे मेरी और मेरी परिवार को देके, मेरे बेटे बेटियों को देके, आने वाले टाइम इस कलीसिया का सन्स एंड डॉटर्स को देके, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को देके वो भागेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषणा करता हूं, तेरी दास होने के अधिकार के साथ, गॉड ऑफ अब्राहम, इसहाक, जैकब, गॉड ऑफ प्रॉफेट टीबी जोशुआ, गॉड ऑफ अपोस्टल अंकुर नरुला, मैं एस्टैब्लिश करता हूं इस वर्ड को जीसस क्राइस्ट के सामर्थ्य नाम से। हम प्रोटेक्टेड होंगे, हम प्रोटेक्टेड होंगे, गॉड ऑफ अब्राहम, इसहाक, जैकब, गॉड ऑफ अब्राहम, इसहाक, जैकब, इस कलीसिया तेरे लोग ये डेविल और दुष्टों की गेम्स में फंसेंगे नहीं, ये इसके अबाव जाके
लोगों को डिलीवर करने में, लोगों को चंगा करने में, बड़े चीज को एस्टैब्लिश करने में इस्तेमाल होगा। मैं घोषणा करता हूँ इस कलीसिया के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति हीलिंग में एक्सपर्ट होंगे, डिलीवरेंस में एक्सपर्ट होंगे, और मुंह खोलेंगे लोग हीलिंग होंगे, और मुंह खोलेंगे लोग चंगे प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने आपने जिसको ब्लस किया वो ब्लस होंगे, आपने जिसको आशीषित किया आपकी परिवार और फैमिली आशीषित होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं एस्टैब्लिश करता हूँ, मैं एस्टैब्लिश करता हूँ इस वर्ड को। मैं और आपके मर के जाएंगे इस धरती से, एक डे आएगा मृत्यु, बट जो वर्ड्स आप एस्टैब्लिश करते हैं, जो कानून 1947 में हमारी प्राइम मिनिस्टर ने बना आज भी कानून लागू है, वो मर के खत्म हो गया, उसके बेटे बेटे खत्म हो गया, बट वो कानून रहेंगे। आज जो स्पिरिचुअल कानून को आप एस्टैब्लिश करेंगे, आप मर के मिट्टी से मिट्टी और प्रभु के साथ आप वापस जाएंगे, तब भी जो वर्ड, जो कानूनी लो, स्पिरिचुअलिटी के ब्लेस्ड लो आपने एस्टैब्लिश किया, वो एस्टैब्लिश रहेंगे। जो आप बोलेगा आप ब्लेस सिंग्स के पार्ट होंगे, आप श्रापित के पार्ट नहीं होंगे, आप सॉल्यूशंस के पार्ट होंगे, आप प्रॉब्लम्स के पार्ट नहीं होंगे, आप गरीब नहीं होंगे, आपके पास रिसोर्सेस इनफ होगा, प्रोविजंस इनफ होगा, आप ब्लेसिंग्स खिलाए जाएगा। घोषणा करो मुंह खोल के, मेरे परिवार से ड्रग एडिक्ट, नशेबाजी, नशेड़ी मेरे परिवार में जन्म नहीं लेंगे, मेरे बच्चे नशे के एडिक्शन में नहीं जाएंगे, वो सिगरेट हो, वो अल्कोहल हो, कोई फूड भी हो, कोई भी चीज वो ओवर, कोई भी एडिक्शन होंगे नहीं, एडिक्शन भी नहीं, वो सब्सटेंस टेस्ट भी नहीं करके देखेगा, कोई भी नशेड़ी मेरे परिवार में जन्म नहीं लेंगे। अल्कोहल यूजर्स या 50 साल 100 साल के बाद जो नशे आए, जो वचन के खिलाफ, जो बिब्लिकल कॉन्शियंस के अगेंस्ट है, मेरे परिवार में जन्म नहीं लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे बेटे बेटियां शादी के पहले प्रेग्नेंट नहीं होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। टीनेज प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारी परिवार में, कलीसिया में सुनाई भी नहीं देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्रता में जाएंगे, मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, बीमारियां हिस्सा नहीं होगा हमारी परिवार की, कोई भी जन बेटे बेटियां इस कलीसिया का, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स बिलीवर्स, हर फैमिलीज को मैं घोषणा करता हूं एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट हमारा हिस्सा नहीं होगा। जमीन में आप प्रोटेक्टेड है, वायु में आप प्रोटेक्टेड है, समुद्र में आप प्रोटेक्टेड है, फ्यूचर में कोई भी ट्रैवलिंग इक्विपमेंट्स आए, सब चीज, कोई भी चीज, आप जब भी ट्रैवल करते होंगे आप प्रोटेक्टेड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इमरजेंसीज आपका हिस्सा ना हो, हेल्थ इमरजेंसीज आपका हिस्सा ना हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हमारे इस परिवार में, इस कलीसिया में, हमारी चर्च में, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर विश्वासियों में, प्रभु जेल में जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज में फंसने वाला कोई भी जन्म ना ले, हमारी परिवार की एक भी व्यक्ति जेल्स में ना जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में ना जाए, वो गवर्नमेंट की फेवरेट हो, वो अथॉरिटीज का फेवरेट हो, कॉलेज में, स्कूल्स में गवर्नमेंट सब लोग सपोर्ट करे, गवर्नमेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ नहीं आएंगे, वो हमें फेवरेट नजर से देखेंगे, हमारे ऊपर दया करेंगे, हर बार अधिकारियों का फेवरेट ग्रुप खिलाई जाएंगे, गवर्नमेंट फेवर करेगा। आप जहां भी जाएंगे, कोई भी देशों में, आने वाले टाइम में हमारे बेटे बेटियों जाएंगे, इस धरती में या इस यूनिवर्स में कहीं भी, हर गवर्नमेंट से फेवर आएंगे उनको, हर गवर्नमेंट से फेवर आएंगे, अथॉरिटी से फेवर आएंगे, हस्बैंड से फेवर आएंगे, पिताओं से फेवर आएंगे, ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु हमारे घरों में गे, बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस या उल्टा सीधा गलत संबंधों बनाने वाला कोई भी हमारे परिवार में जन्म नहीं लेगा, उस स्पिरिट डेविल का एंट्री नहीं है हमारे डीएनए में, एंट्री नहीं है हमारी बच्चों की जिंदगी में, एंट्री नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुंह खोलो, घोषणा करो, मैंने आपको सैंपल दिखाया कैसे प्रार्थना करना है, प्रे 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 शाखरा खरीमा शोमोरी खरा बाला बाला बा नामारी खुरोबो शांधरी मलाबा शम्मला खुरीबा सनंदरा खलीमरा शुखो रोथो रोमारी नाखलांदर रुखुरी रुखो रो मोला खुरीबा नुकुरमा शिखुरो सांबरी खलाबा शमारी खुरोबो शांगथरी मला खराबा शमारी खुलोबो रीबा समारी खुलोबो शिखरा तारा मारा। घोषणा करो रेंट पे रह तो इस टाइम, घोषणा करो मेरे घर से, मेरे बेटे बेटियों का शादी के टाइम वो रेंटेड घरों से शादी में नहीं जाएंगे, अपने घरों से वो शादियों में जाएंगे, मेरा अपना मकान होगा, अपना गाड़ियां होंगे, अपनी संपत्तियां इस धरती में जो चाहिए एसेट्स वो मेरा खुदा मेरा परमेश्वर देगा। बेटों की शादी, बेटियों की शादी वो अपने घरों से जाएंगे, अपने घरों में अपनी बहुओं को लेके आएंगे, अपने घरों में। ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इन 10 इयर्स टाइम आज जो मेरी
वर्ड आवाज सुन रहे, जितने भी लोग रेंटेड प्रॉपर्टीज में रहते हैं, सबकी अपनी मकान होगा, सबकी अपनी मकान होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, मैं गवाहियां दूंगा। ओ प्रभु, जब 2030 का इस चर्च अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे, मैं टेस्टिमनीज दूंगा। आज उस टाइम लोग खड़े होंगे, गवाहियां देंगे, मैं रेंट में रहता था, आज मेरी अपनी मकान है। प्रभु, उस उत्तम पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, हर जगह से मैं रिसोर्सेस को पुकारता हूं इस टाइम, तेरे लोगों को अपने घर बनाने के लिए, अपने एसेट्स बनाने के लिए रिसोर्सेस को रिलीज करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके लिए दरवाजे खुले, आपके सामने जो पत्थर रखे जिसने रास्ता को बंद किया, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं उस रास्तों को स्पिरिचुअली खोलता हूं, फिजिकली भी खोलेंगे। जैसे इसहाक अपने पापा अब्राहम की एक कुआं जो शत्रुओं ने बंद कर रखा था, कुछ टाइम के बाद वो खुला। आज मैं घोषणा करता हूं उस इसहाक के ऊपर जो ब्लेसिंग्स आया, आपके लिए ब्लेसिंग आपके सामने, बट किसी ने उसको कवर कर रखा है, वो एक्सपोज हो, बाहर हो, आपकी पोषण आपके सामने आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो डील आपके लिए अगेंस्ट लोगों ने बंद कर रखा है, शत्रुओं ने उसके ऊपर पर्दा डाल रखा है, दुष्टों ने पर्दा डाल रखा है, पत्थर डाल रखा है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हर पत्थर टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जंगला दुष्ट शक्ति, अंधकार की, अधोलोक की शक्ति, इसहाक की परमेश्वर, उस कुआ खुल जाए, पानी आए जो हमारे पितरों ने हमारे लिए रखा, स्पिरिचुअली पितरों ने रखा। मैं घोषणा करता हूं वो ब्लेसिंग्स जो हमारी ओर से रिलीज होना है, वो आपकी पापा मम्मी का प्रॉपर्टीज हो, उन्होंने जो आपके लिए रखा है, भाइयों ने बहनों ने साइलेंटली आपको दिखाई नहीं बताई नहीं, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से रिलीज हो आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिसने आकाश बनाया, जिसने धरती बनाया, धरती मुझे सपोर्ट करेगा, आकाश मुझे सपोर्ट करेगा, हर सोर्सेस मुझे सपोर्ट करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। गाओ आराधना। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, आपने अपनी बाइबल खोल दीजिए, जेनेसिस 25 हाथों में उठाइए, दिस इज ए प्रोफेटिकल वर्ड, अभी रिलीज होगा आपके लिए। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12-22, जो हमने अभी प्रार्थना किया ये आपका हिस्सा हो। जेनेसिस 26:12-22, जेनेसिस हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पत्ति 26:12 से लेके 22 तक प्रार्थना करो, ये आपका हिस्सा हो। जेनेसिस 26:12 से लेके 22 तक। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष से 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके बेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे ढा करने लगे, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके भी नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो ब्लेसिंग्स हमारे आसपास के लोग, हमारे रिलेटिव, शत्रु, एनिमीज, कोई भी अभी उसके ऊपर मिट्टी लगा के रखा हुआ है, हमारी आंखों के सामने होगा, हमें पता नहीं होता, बट मैं घोषणा करता हूँ इन हफ्तों में, इन महीनों में एक्सपोज हो हमारी ब्लेसिंग्स। हमारे पितरों ने, अब्राहम की वंशावलियों ने, ओ अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने, हरीश मेरे लिए रखा है, मेरे सामने वो एक्सपोज हो, ओ ब्लेसिंग्स मेरा रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो किसी का भी घर में हो, किसी का बैंक में हो, किसी के अकाउंट्स में हो, किसी की ड्रॉयर में हो, किसी की अलमारी में हो, मैं नहीं जानता, मैं कमांड करता हूं उस ब्लेसिंग्स को मेरे सामने आने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वो कुआ मेरा है, इस कलीसिया का है, हमारी परिवार का, यीशु के सामर्थ्य नाम से। शत्रुओं की जलसी, एनिमी की जलसी, अंधकार की, अधोलोक की शक्ति की जलसी, ईर्ष्या हमारी ब्लेसिंग्स को बंद नहीं कर सकता। और प्रभु, मैं घोषणा करता हूं जितने भी इसहाक मेरे सामने बैठे हैं, परमेश्वर, मैं घोषणा
प्रार्थना करता हूँ उनके लिए वो ब्लेसिंग्स जो अब्राहम की ओर से आया उनके हाथों में आए आए, उस ग्रेस को रिलीज करे, उस मर्सी को रिलीज करे पिता परमेश्वर। जैसे इसहाक ने दोबारा बिल्ड किया, इसहाक ने दोबारा बिल्ड किया, एक ग्रुप भी, एक कलीसिया भी, हमारा वंशावली भी दोबारा बिल्ड करने वाला बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाथों को उठा के बोलो, प्रभु जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए रखा हुआ है, मेरे आसपास के लोगों ने, भाइयों ने, शत्रुओं ने, फ्रेंड्स ने, किसी ने भी उसको हाइड कर रखा है या मेरी गलतियों के कारण मेरे सामने छुपे हुए हैं, दूर देशों में छुपे हुए हैं, मेरे पुराने घरों में छुपे हुए हैं, ओ मैं भूल गया, वो सब रिमेम्बरेंस में आए, मेरी ब्लेसिंग्स रिलीज हो इसी टाइम, मेरी ग्रोथ रिलीज हो इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से, मेरी पोर्शंस रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, दया रिलीज हो, ब्रेक थ्रूज रिलीज हो, ब्रेक थ्रूज रिलीज हो, शरीर की बीमारी के अगेंस्ट प्रार्थना करता हूँ इसी टाइम प्रभु, जो चंगाई उनके लिए, ब्लेसिंग्स जो उनके लिए रिलीज होना है, अभी डेविल ने बंद कर रखा, मैं रिलीज करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो रिलीज हो, रिलीज हो, और आप उसको नाम दे पाए, आपकी गोदियों में आए, बच्चे नहीं है, बोलो मेरी गोदियों में आशीष आए, मैं उसको नामकरण कर पाए, आपकी न्यू बिजनेस आप उसके लिए नामकरण कर पाए, डेडिकेशन सर्विसेज हो आपकी ऑफिस व्यवसाय को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो ब्लेसिंग्स का नाम देने का हिम्मत, कैपेबिलिटी, ताकत मेरा परमेश्वर आपको दे, मेरा परमेश्वर, मेरा मसीहा, हम आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर, अभी प्रार्थनाएं घोषणाएं की है पिता परमेश्वर, आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आपने बोला आइज़ाया 55:10 से लेकर 11 तक, जो वर्ड तेरे मुंह से निकलेगा वो फलों को लेके आएगा। मेरा विश्वास है जिन्होंने आज प्रार्थना किया वो फलों को पाएं, जो आज प्रे नहीं किया उनको बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, अपने मुंह के फल से तू जिंदा होगा, अपने मुंह के फल से तू सामर्थ पाएंगे। मेरा परमेश्वर, मेरा मसीहा, मेरा परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन।